हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज बिना टाइम को वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल। ऐसा कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जो ये बताता है मैनेजिंग एंटरप्राइज की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जैसी होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल हो। बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस या फिर ग्रुप एक्टिविटी, बताइए मेरे को आंसर। बिल्कुल सही आंसर आते हैं मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑल परवेसिव। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को मिलाकर उनको अचीव करवाता है, ठीक है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है मैनेजिंग एंटरप्राइज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। मैनेजमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यूसली फंक्शन होते रहते हैं। कौन कौन से फंक्शन हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजिंग ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजिंग एंटरप्राइज के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की नीड्स होती है, हर एक का मोटिव अलग होता है ज्वाइन करने का, तो मैनेज इन सबको मिलाकर काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। Identify the nature of management. Nature of management मतलब management is a science, management is a art, management is a profession. ठीक है, art, science, profession. Identify the nature of management when it is said that to be a systematic body of knowledge which explains certain general truth. बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है जो ये बताता है systematic body of knowledge है जो कि जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है। और बिल्कुल सही आंसर आते हैं मेरे पास, किसी का भी गलत आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन ऐसा हमने पहली बार देखा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ना, ये कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं। कोई 2006 में बोर्ड में आया था, कोई 2008 बोर्ड में आया था, एक दो तो मेरे 2011 वाले बोर्ड के भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है, अपनी याद ताजा करने के लिए। जो 10 साल पहले क्वेश्चन आया था वो भी मैंने इसके अंदर पूछे। तो हर एक वैरायटी में आपसे पूछूंगा और हर एक वैरायटी से आपको पता लग जाएगा सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब लोअर लेवल, लोअर लेवल का दूसरा नाम क्या, ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी लेवल, मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर उन्होंने नाम ही दे दिया कि कौन से लेवल में आने वाले हैं। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा लेवल जो जिम्मेदार है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना, बनाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। जो गौर फरमाइए इसका आंसर, मैनेजर्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये चीज क्लियर हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग की बात नहीं हो रही है यहां पर, इंप्लीमेंटिंग की बात हो रही है और इंप्लीमेंटिंग नीचे वाले मिडिल लेवल लोग करवाए से करवाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई, हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी, 2-3 बार अच्छे से समझना है, क्या पढ़ा था वो याद रखना है और फिर आंसर देने हैं। जल्दी का काम शैतान का काम होता है और आप एक नंबर के शैतान हो, शैतान से कम थोड़ी ना हो। आपका टीचर भी कहता है इससे शैतान क्लास मैंने नहीं देखी। चलो जूम सेशन में ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा क्योंकि जूम सेशन में तो बच्चे गालियां दे देते उल्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस, क्या बताना है, प्रोसेस विच प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स एंड एंश्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो बताता है आपको सही टाइम भी देता है, क्वालिटी भी है, टाइमिंग भी है,
सीक्वेंस भी मेंटेन करता है और ये इंश्योर करता है कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के काम हो जाए। ठीक है, तो बताइए ऐसी प्रोसेस का नाम क्या है? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन। ये चीज क्लियर हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन। क्यों? कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है ना, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, प्रोसेस भी बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है, वैसे उन्हें सिंक्रनाइज किया जाता है, गोल्स अचीव हो जाए हमारे, तो उन्होंने उसको अलग तरीके से बोला हुआ है। इन्होंने बोला कि ऐसी प्रोसेस बताओ जिसके अंदर हमको टाइम भी मिल जाए, क्वालिटी भी हो, टाइमिंग भी हो, सारे एफर्ट सीक्वेंस में करे जा रहे हो और बिना कॉन्फ्लिक्ट के हमारे काम हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कोऑर्डिनेशन है। ये चीज क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन, इट मीन दे आर नॉट रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन, इट मीन दे आर नॉट रिजिड। विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बींग एक्सप्लेन इन द अबव स्टेटमेंट। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के अंदर कौन सा प्रिंसिपल है जो कि एक्सप्लेन किया गया है, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार फीचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट पूरा ही टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। फीचर भी हमको पता लग जाएगा और सारे हेडिंग्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो हमारी आती है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, दूसरी हमारी हेडिंग क्या आती है, हमारी जनरल गाइडलाइंस, रॉक स्ट्रेट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, याद करो। फिर आता हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, पहला कौन सा था, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा जनरल गाइडलाइन, और तीसरा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद फ्लेक्सिबल होते हैं, बिहेवियर होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, और लास्ट कॉन्टिंजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ इसमें क्या थे, फीचर्स थे, नेचर थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, किसके, प्रिंसिपल्स के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये मॉडिफाई करे जा सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ये रिजेक्ट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल सबका सही आंसर आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। तो मेरे को ये बताइए, नेम द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबॉर्डिनेशन। कौन से प्रिंसिपल में यह बोला गया है कि डुअल सबॉर्डिनेशन को नहीं करना चाहिए, बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और हमारा जो प्रिंसिपल डुअल सबॉर्डिनेशन को प्रिवेंट करता है उसका करेक्ट आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनिटी ऑफ कमांड में यही बोला गया है दैट द एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड गेट देयर ऑर्डर्स फ्रॉम वन एम्प्लॉय ओनली। ठीक है, ड्यूअल सबॉर्डिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दैट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्किंग ऑफ टू डिविजन्स। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, सेम काम ना करे कोई भी। ठीक है, तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो ये अवॉइड करने में हमको मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, क्यों है इसका आंसर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में स्पेसिफिकली बोला गया है हर एक डिवीजन का अपना एक इंचार्ज होना चाहिए, अपने एक कुछ रिसोर्सेज होनी चाहिए और अपने कुछ रिसोर्सेज होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से उनकी जो डिवीजन में जो काम है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली उसके अंदर दे रखा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। अब जिनको यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क लग रहा है, मैं वहाँ पर ये बता दूँ, उसमें इनका कहने का मतलब ये है कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर उनको स्पेशलिस्ट पर्सन से कराओ, जिससे काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यूनिट ऑफ डायरेक्शन। तो पहले वाले का आंसर है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, और दूसरे वाले का आंसर है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। श्रेया अ मैनेजर फील्स दैट एम्प्लॉय शुड गेट इनफ टाइम टू अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट टू शो रिजल्ट।
बाय डूइंग सो शी इज फॉलोइंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेम दैट प्रिंसिपल. श्रेया एक मैनेजर ये फील करती है एम्प्लॉय को एक इनफ टाइम देना चाहिए वो जिसे न्यू एनवायरमेंट में सेटल हो सके और अपना रिजल्ट शो कर सके. तो बताइए वो कौन सा प्रिंसिपल है जो श्रेया फॉलो कर रही है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर उन्होंने यही बात बोली थी. अगर आपको सबसे पहले अपनी पहले जो मैं पूरा प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद हम इसको बताएंगे कि ये आंसर क्यों आया. स्टेबिलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको अपना एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना पड़ेगा. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब पता है अपने जो लोग छोड़ के जाते हैं. और एम्प्लॉय टर्नओवर कम करने के लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी. पहला ये आप सिलेक्शन बहुत अच्छे से करो एम्प्लॉयज का. और दूसरा उनको जब आप किसी में सेलेक्ट कर लेते हो तो उनको एक मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए आप काम दीजिए जिससे वो उस चीज को एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर पाए. और कोई भी जल्दबाजी मत करिए जिससे वो अपना रिजल्ट आराम से शो कर पाए. तो यही प्रिंसिपल यहां पे बात हो रही है. इन्होंने बोला है कि उसको करेक्ट टाइम यहां पर दीजिए और बताइए कि हाँ भाई कौन सा वो करेगा. ये चीज क्लियर हो गया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. ये चीज क्लियर हो गई. ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8, हिमांशु कीप्स मशीन मटेरियल्स टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय कंसर्न्ड वर्कर्स. ठीक है. हूज वर्क इज डिस्क्राइब बाय द स्टेटमेंट्स अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप. बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा. हिमांशु बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हिमांशु मशीन्स को मटेरियल्स टूल्स को रेडी रखता है जिससे वो जो ऑपरेशन करते कौन वर्कर्स करते उनके लिए वो रेडी रखता है. तो बताइए ये फंक्शनल फॉर्मेशन के अंदर ये कौन सा काम डिफाइन किया गया है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर. सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेशन के अंदर पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं. फंक्शनल फॉर्मेशन के अंदर टेलर ने क्या किया था. उन्होंने बोला था सुपरवाइजर उन्होंने बोला था कि अगर आपको वर्कर्स से काम अच्छा करवाना है तो आपको दो डिपार्टमेंट बनाने चाहिए. एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए. प्लानिंग के अंदर उन्होंने 4 लोगों को रखा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने 4 लोगों को रखा. प्लानिंग के अंदर 4 कौन कौन से हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी. और इसके अंदर क्या रखा, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. ये चीज क्लियर हो गई. ओके, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या था, इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करना. रूट क्लर्क का काम क्या था, रूट ऑफ प्रोडक्शन बताना. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या था, टाइम बताना कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए और कितने कॉस्ट में काम हो जाना चाहिए. और लास्ट में हमारा था डिसिप्लिन, ये चेक करता था कि काम डिसिप्लिन हो रहा है कि नहीं हो रहा. फिर आता हमारा स्पीड बॉस, ये चेक करता था काम टाइमली और एक्यूरेटली हो रहा है कि नहीं हो रहा. इंस्पेक्टर चेक करता था क्वालिटी ऑफ काम. रिपेयर बॉस चेक करता था कि रिपेयर कोई भी जरूरत हो तो रिपेयर. और लास्ट आता हमारा गैंग बॉस. तो गैंग बॉस इज द करेक्ट आंसर जो कि टूल्स मशीन मटेरियल रेडी करके रखता था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा गैंग बॉस. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. आपने देखा होगा कुछ, शायद ही आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहली बार शायद ही देखा हो. मेरे हिसाब से पहले देखा हो तो बहुत अच्छी बात है. आप वो जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पेपर ले रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर है. लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आप नॉर्मली आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो. तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ डांट के आपके लिए लेकर आता हूँ मैं. ये कोशिश रहती है कि आप सोच कर पाओ कि कोई सी भी लाइन को वो उठाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. ठीक है, तो इसलिए मेरी ये वन मार्क सीरीज काफी अच्छी चल रही है. चलो क्वेश्चन नंबर 9, नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखो यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच एम्फेसिस ऑन स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ मेथड रादर देन एस्टिमेशन. करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. उसके अंदर यही बात बोली गई है कि आपको अपने एस्टिमेशन बेसिस पे काम नहीं करना है, आपको साइंटिफिक एनालिसिस स्टडी वगैरह पूरी करनी चाहिए. ये चीज क्लियर हो गया. ओके चलो अब बात करते हैं आज का 10th क्वेश्चन. और भी क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नहीं हमारे पास 10 ही क्वेश्चन है. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको बोला था 4 लाइन से ज्यादा केस स्टडी हो तो हम लास्ट से शुरुआत करेंगे. तो यहाँ पे भी 4 लाइन से ज्यादा केस स्टडी है. तो क्या लिखा हुआ है,
नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेक्निक याद करो, टेक्निक कौन कौन सी थी? टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी. इसके अलावा हमारा डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम. इसके अलावा हमारा था क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. और लास्ट हमारी थी फंक्शनल फॉर्मेशन. तो सात हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो. तो यहां पर सात टेक्निक में से आंसर मिलने वाला है. तो नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट शुड बी अधेर्ड टू व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स फॉर सच प्रोडक्ट्स. क्या बोला है इन्होंने कि कौन सी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको फॉलो करनी चाहिए, फॉलो हो रही है, ये नहीं बोला है, होनी चाहिए, शुड बी अधेर्ड टू व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट. ध्यान रखना, क्वेश्चन रीडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अच्छा ऊपर कुछ फॉलो हो रही होगी तो ये नहीं. लैंग्वेज ढंग से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक हमको फॉलो करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट. मतलब ऊपर कोई प्रोडक्ट के नाम दे रखे हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते समय कौन सी टेक्निक को हमको फोकस पे रखना चाहिए. ये क्लियर हो गया? ओके. बीना अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट लाइक्स टू रिलेट व्हाट शी लर्न्ड इन क्लास टू रियल लाइफ सिचुएशन. ओके, अच्छी बात है. She observed many situations while watching educational programs on television that remind her of concept of scientific management. In what such program, factories manufacturing parts for products like automobiles, computer, mobile phones are being telecast. तो मेरे को ये बताइए, companies जो कि automobiles बनाती हैं, computers बनाती हैं और mobile phone बनाती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते समय कौन सी टेक्निक उनको मेन फॉलो करनी चाहिए, बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर. क्या ये टाइम स्टडी होगी, क्या ये मोशन स्टडी होगी, क्या ये मेथड स्टडी होगी, फैटिक स्टडी, डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, या फिर जो लास्ट है हमारी फंक्शनल फॉर्मेशन. बिल्कुल सही आंसर आते हुए. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ये चीज क्लियर हो गई. क्यों है ये प्रिंसिपल? क्योंकि जब हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स, तो हमारे जो पार्ट्स बनते हैं ना वो एक ही तरीके के बनते हैं. तो उन्होंने ये बोला कि आपको एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, आपको स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए. ये चीज क्लियर हो गया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. सो दैट्स इट्स फॉर द टुडे सेशन. आपसे ये केसेस करवा के मुझे काफी अच्छा लगा. और आज हमने कभी अलग तरीके के क्वेश्चन देखे थे, बहुत सिंपल, लेकिन लैंग्वेज बड़ी प्यारी थी आज की. तो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के अंदर. टिल देन पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय.